हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द न्यू वीडियो। तो गाइस, टॉप 1 इंडिया AWM टाइटल पुशिंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। एंड ये वीडियो हमारी टाइटल पुशिंग की लास्ट एपिसोड होने वाली है। एंड उसका भी मैं रीजन आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्यों नहीं मैं आगे के लिए पुश कर रहा हूं। एंड अभी की बात करें तो मेरे 170 भूया हो चुके हैं, जिस हिसाब से मैं यहां पर टॉप 10 या टॉप 11 पे चल रहा हूं। एंड यहां पर आपको टॉप 3 के अंदर फन टू गेमर नाम से एक और आईडी दिख रही है, जो कि मेरी एक फ्रेंड की है जिसका नाम ब्रिक्स है। उसने मेरा नाम रख के यहां पर टॉप 1 जाने का ट्राई कर रहा था। एंड इस बंदे की भी आईडी यहां पर ब्लैक लिस्ट हो चुकी है। और वहीं बात करें AWM की, तो हम टॉप 17 नंबर पे चल रहे हैं 21,000 स्कोर के साथ। अब जैसा कि आपको पता है कि कोई भी बंदा कितना भी फेयर पुश कर रहा है, आईडी पता नहीं किस रीजन की वजह से ब्लैक लिस्ट हो रही है, किसी को भी नहीं पता ये चीज के बारे में। अगर आप लोगों को पता है कि आईडी किस वजह से ब्लैक लिस्ट में जा रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलो अभी आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट, एंड फटाफट से मैच को भी कर देते हैं स्टार्ट। अब आज के पहले मैच की बात करें तो मेरे 7 किल निकल चुके थे, लास्ट के 3 बंदे अलाइव है, बाकी एक बंदा सामने भाग रहा है। डैमेज जस्ट एक गोली और फाइनली खत्म। तो 8 किल भी हमारे निकल चुके हैं। अब जस्ट लास्ट के 2 ही बंदे बचे हुए, बाकी मेरे पास M10 तो है ही, एंड वो वाले बंदे इस वाली साइड में है, राइट में ही है। शॉट मिस, दोनों बंदे उसी साइड पे है। ओके डैमेज, एक और गोली कनेक्ट करनी थी, वो हेड पे एम था बट लगा नहीं, बट फाइनली खत्म। एंड जस्ट एक आखिरी का बंदा, एंड मुझे नीचे जाना है तो मैंने यहाँ पर सेंटिनो को छोड़ दिया है। और राइट यहाँ पर जोन में तो हम आ चुके, एंड वो बंदा भी मेरे राइट साइड में ही है पूरा। एंड उसके पास SVD है, तो वो वन टैप मारने का ट्राई करेगा। तो पहले मैं इसकी ग्लू वॉल तोड़ देता हूँ। ये लॉन्चर तो फेंका बट बहुत दूर जा चुका है, एंड एमो भी खत्म हो चुकी है मेरी, तो अभी क्लोज में जाके रश करना पड़ेगा। वैसे मैं ट्राई करूँगा कि AWM के साथ एक शॉट तो कनेक्ट करूँ। ओके 8 का डैमेज, एक गोली कनेक्ट करनी थी, बाहर ही नहीं निकल रहा। डैमेज और फाइनली डाउन, अभी फटाफट इसको फिनिश लेते हैं और फाइनली खत्म। तो इसके अंदर हमको 10 किल के साथ पहला मैच निकल जाता है, बुया बुया बुया, जिसके अंदर हमको टोटल यहाँ पर 29 का प्लस मिल जाता है, एंड साथ साथ AWM का भी 80 ग्लोरी कंप्लीट। तो गाइस अब बढ़ते हैं अगले मैच की ओर। अब बात करें गाइस ये वाले मैच की, तो मेरे 7 किल निकल चुके थे, एंड लास्ट के यहाँ पर 5 बंदे अलाइव है। एक बंदा सामने, हेडशॉट पे एम तो लिया बट उसको बॉडी शॉट ही लगा, हालांकि सोनिया एक्टिव हो चुका है। एंड फाइनली खत्म, एक और बंदा उस साइड में है, वो भी निकल के आएगा। डैमेज, एक और गोली और खत्म। 9 किल तो अपने निकल चुके हैं, अब जस्ट लास्ट के 3 ही बंदे बचे हुए। एक और बंदा मॉन्स्टर लेके आ रहा है, शॉट लगा नहीं उस पर, बाकी मेरे पास स्किल ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, इसका मॉन्स्टर ही तोड़ देते। ओके डैमेज, एक और गोली कनेक्ट हो जाती तो ओके एक और हुई, बट उसने शायद मेडिकेट मार ली। 206 का तो डैमेज आ चुका है, बाकी अभी ढूंढते हैं यहाँ पर बंदे और भी हो सकते हैं। अब इस बंदे का पीछा करते करते मैं मॉन्स्टर ट्रक तक आ चुका था, एंड ये बंदा भी मेरे सामने ही है। ऑलराइट ओरियन बन चुका है, स्किल ब्लॉक भी मार दिया और फाइनली खत्म। एंड ये वाली लॉबी उतनी अच्छी नहीं आई है, तो यहाँ पर आप किल फीड में भी देख सकते हो कि नोटिफिकेशन उतने अच्छे बंदों की नहीं है। एंड हमारे 10 किल तो निकल चुके, बाकी लास्ट के 2 ही बंदे बचे हुए हैं। अब लास्ट के दोनों बंदे में से एक बंदा ही स्टैंड के अंदर है, वेट पहले से खत्म करते हैं इसको। मैंने डैमेज तो दिया बट अपोनेंट ने यहाँ पर किल ले लिया। जस्ट लास्ट का बंदा सामने वाली साइड है, तो उसे ख़त्म करेंगे। एंड अपना यहाँ पर स्किल भी चार्ज हो चुका है, तो इसको भी छोड़ देंगे हम आगे की साइड। पहले ग्लू वॉल लगाते हैं, एंड यहाँ पर स्किल भी छोड़ दी कि आगे चलते हैं। ये रहा, और फाइनली खत्म। तो हेडशॉट के साथ हमें 11 किल के साथ ये वाला मैच में निकल जाता है, बुया बुया बुया, जिसके अंदर हमको टोटल 29 का प्लस मिल जाता है, एंड साथ साथ AWM का भी 80 प्लस कंप्लीट। तो अब बढ़ते हैं अगले मैच की ओर। अब बात करें गाइस ये वाले मैच की, तो यहाँ पर मैं स्क्वाड में खेला था, एंड यहाँ पर से जो लॉन्चर का क्लच निकलता है ना, वो एकदम खतरनाक था। अब यहाँ पर हम गाड़ी में पूरी स्क्वाड जा रही थी, एंड सामने एक और स्क्वाड थी, तो मैंने यहाँ पर लॉन्चर मारा, एंड यहाँ पर 2 बंदों में से एक बंदा डाउन हो गया। जिस लास्ट के 2 बंदे थे जिनको मैं लॉन्चर मार के यहाँ पर ट्रिपल किल लेके चल जाता हूँ, मतलब कि एक ही टाइम में यहाँ पर स्क्वाड पूरी वाइप आउट। इसके वजह से मैंने फटाफट यहाँ से AWM बाइक कर ली, क्योंकि वेंडिंग पे मैं इसलिए आया था, फिर हम जोन के लिए निकलते हैं। एंड बीमा शक्ति में पहुँचते हैं, यहाँ पर भी हमको बंदे थे जहाँ पर मैं एक लॉन्चर से नॉक कर देता हूँ, एंड और बंदा इनका भागने की तैयारी कर रहा था, जो कि भाई कैरेक्टर स्किल लेके जा रहा था, बट उसको क्या पता कि मेरे पास AWM है। एंड जैसे शॉट कनेक्ट किया वो भी नॉक। अब जस्ट इनका एक आखिरी कहीं एनिमी बचा हुआ है, तो उसे खत्म करते हैं, इनकी भी टीम यहाँ पर वाइप आउट हो जाएगी पूरा।
और फाइनली खत्म। तो इसके बाद हम लास्ट जोन के अंदर आते हैं जहाँ की मेरे 9 किल कंप्लीट हो चुके हैं एंड लास्ट के यहाँ पर 16 बंदे बचे हुए सामने ही बंदे। देखते देखते मैंने यहाँ पर एक किल चोरी भी कर दिया एंड उनकी टीम को वाइप आउट भी कर दिया। बाकी यहाँ पर हमारे पास लॉन्चर की अभी भी 6 गोली बची है एंड यहाँ पर 13 बंदे अलाइव है और मेरे 10 किल तो निकल ही चुके हैं। एक बंदा आया और भाई क्या ही लॉन्चर से मारा 252 के साथ, ये भी खत्म। मतलब कि लॉन्चर का अगर क्लच आपको अच्छा लग रहा है तो ओपी जरूर से लगाना। बाकी इसको खत्म कर लेते हैं, 11 किल भी निकल चुके एंड शायद अब यहाँ पर 2 ही टीम बची हुई है, मतलब कि 13 बंदे अभी भी अलाइव है। एक बंदा शायद जोन से रिवाइव कर रहा है, पीछे से ही मेरे को डैमेज पड़ चुका है एंड मुझे भी निकलना पड़ेगा जोन के अंदर क्योंकि लास्ट जोन आ चुका है। फटाफट निकलते हैं। बाकी एक बंदा राइट में भी है, पीछे वाला कोई निकल के आएगा। ओके एक बंदा आया, ओके यहाँ पर अपने टीममेट ने डाउन कर दिया। बाकी मैं यहाँ पर लॉन्चर की एमो को वेस्ट तो नहीं करूँगा और अभी भी 12 बंदे अलाइव हैं, एक तो अपनी पूरी स्क्वाड बची हुई है, इसके पीछे भी एक बंदा है। ओके लास्ट के जस्ट 4 ही बंदे बचे हुए हैं, आगे निकलते हैं। यहाँ पर एक बंदा है, इस पर लॉन्चर मारते हैं। डैमेज भाई मेरा किली चोरी कर दिया, 233 का डैमेज मारा बट मेरा किली चले गया। खैर अभी लास्ट के यहाँ पर 2 ही बंदे बचे हुए हैं एंड अपने भी 2 टीममेट डाउन हो चुके हैं। स्नाइपर टावर से मार रहा है, चलो डाउन। एंड यहाँ पर मैं अकेला बचा हुआ हूँ, पहले अपने टीममेट को रिवाइव करता हूँ एंड देखते देखते हमारी पूरी टीम खत्म हो चुकी है। मतलब कि अभी 2v2 की फाइट है एंड वो बंदा भी शायद हील हो जाएगा क्योंकि शायद उसने इंजेक्शन मार लिया, निकल के आएगा वो। डैमेज एक ही गोली का बच गया, निकलेगा वो। डैमेज एक और 159 खा चुका है। एक और बंदा पता नहीं किस साइड है, एक तो सामने है बाकी एक और का पता नहीं, ऊपर वाली साइड हो सकता है। ये बंदा तो पत्थर के पीछे चले गया है। ओके एक बंदा शायद राइट में है, एक बॉल राइट में भी लगी हुई है। पूरा चलो फाइनली खत्म, जस्ट आखिरी का ही बंदा बचा हुआ है एंड मेरे 12 किल निकल चुके हैं तो इस पर लॉन्चर ही मारते हैं। डैमेज भाई साहब लास्ट किल मेरा था बट हुआ नहीं। खैर इसी के साथ हमको ये वाला मैच भी निकल जाता है बुया 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 एंड इसी के साथ मेरे को 12 किल के साथ ये वाला मैच बुया निकलता है एंड साथ साथ 80 ग्लोरी भी कंप्लीट। तो अब बढ़ते हैं अगले मैच की ओर। अब बात करें गाइस ये वाले मैच की तो मेरे 9 किल निकल चुके थे एंड लास्ट के 5 बंदे अलाइव है। बाकी मेरे पास स्नाइपर साथ में शॉटगन है एंड यहाँ पर सारे बंदे गाड़ी लेके घूम रहे, तो मैं अभी यहाँ पर एक गाड़ी लेके घूम ही रहा हूँ। एक बंदा यहीं पर टावर के पीछे है तो पहले इसे खत्म करना पड़ेगा। यहाँ पर रोकते हैं, पहले इस बंदे को ख़त्म करने का ट्राई करते हैं। एक मॉन्स्टर वाला भी आ रहा है साथ साथ, इसलिए मैं गाड़ी में तो एंटर कर चुका हूँ, वापस यहीं पर रुकेंगे, पहले इसको ख़त्म करेंगे। भाई फिर से कोई मॉन्स्टर लेके ना आ जाए बस। डैमेज वो वहाँ पर उसका हल्का सा हाथ दिख रहा है बट एम नहीं आ रहा। एक मॉन्स्टर वाला फिर से आ रहा है, फिर से यहाँ पर हम एंटर कर चुके हैं एंड इस बंदे को उड़ा भी दिया और भाई इसको भी फेंक दिया। अभी जस्ट लास्ट के 4 बंदे बचे हुए हैं, ये बच गया, बस मेरी गाड़ी में एंटर ना करे। और फाइनली खत्म, फिर से गाड़ी में बैठते हैं। जस्ट लास्ट के 3 ही बंदे बचे हुए हैं एंड एक बारी फिर से हम ऊपर जाके वेट करेंगे जैसे ही इन बंदे के सामने आएंगे। और अभी यहाँ पर वेट, इसको ढंग से लगाते हैं, कोई मॉन्स्टर वाला ना उड़ा दे बस। अभी इनकी मॉन्स्टर ट्रक तोड़ते और बंदे को हेडशॉट, जिस लास्ट के 2 बंदे। डैमेज डैमेज भाई ये बंदे बोल लेंगे, पहले तो डैमेज दे रहा फिर गाड़ी में बैठ जा रहा है। चलो इसका तो मॉन्स्टर टूट चुका है, इसका भी फूट चुका है, बस अभी इन पे यहाँ पर नेट वगैरह भी कर देंगे। ऑल राइट एक बंदा खत्म, जस्ट लास्ट का ही बंदा बचा हुआ है एंड अपने 12 किल तो निकल ही चुके हैं। तो पहले तो इस पर लॉन्चर कनेक्ट नहीं हुआ, अपने पास फ्लैश फ्रीज एंड ग्रेनेड वगैरह हैं तो मैं इसको ट्राई करता हूँ कि नेट से ही ख़त्म करूँ, बाकी जितने ग्रेनेड हैं सब फेंक देता हूँ, बहुत सारे बचा के रखे हुए मैंने। उसके बाद नायरी वाली ग्लू वॉल है फिट, इसके ऊपर से फेंकना था मेरे को, अभी तो शायद मर जाए। भाई बच गया,
All right, finally खत्म। तो इस गेम को 13 किल के साथ ये वाला मैच भी निकल चुका है, बुया बुया बुया। एंड इस वाली मैच के अंदर हमारा डेली मिशन भी था, जिस हिसाब से हमको टोटल यहाँ पर 53 का प्लस मिल जाता है एंड साथ साथ वेपन ग्लोरी भी 80 कंप्लीट। तो अब बढ़ते हैं अगले मैच की ओर। अब बात करें गाइस ये वाली मैच की, तो इस वाली मैच के अंदर हमारे वी बैट प्लेयर एस के सबीर भाई हमारे गेम के अंदर आते हैं एंड इस चीज का हमें कोई भी आइडिया नहीं था जब तक कि हम उनको एलिमिनेट नहीं कर देते। अब यहाँ पर पीक पे हम उतरते हैं स्टार्टिंग में, जहाँ की मैं एक बंदे को नॉक करके यहाँ पर फटाफट फिनिश ले लेता हूँ एंड इसके बाद हमारा पहला खेल तो कम्प्लीट होता है। फिर इसके बाद हमारे दो टीममेट यहाँ पर नॉक हो जाते हैं, जिसके बाद मैं अपने टीममेट को पहले रिवाइव करता हूँ, फिर जाके हम उस एनिमीज को खत्म करने के लिए जाएंगे। बाकी ये भी फटाफट निकलते हैं, अपने पास M10 भी है, बंदा सामने की साइड ही भागा है। एंड जब हम एसके सबीर भाई को एलिमिनेट करते हैं तो उसके बाद क्या हुआ वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, देखने वाली बात। तो बंदा तो इस साइड को आया है, बाकी इधर से चलते हैं, अगर मेरे को दिखेगा तो उसको M10 से फिनिश लेंगे। ओके आ रहा है और फाइनली खत्म, इसने भी मेरे को काफी ज्यादा डैमेज कर दिया था एंड इसके बाद हमारे दो किल तो फिनिश हो चुके हैं। बाकी टोकन भी लूट लेते हैं, फटाफट अपने टीममेट को भी रिवाइव कर देते हैं। अब जिस टाइम मैं इस गेम प्ले को ऑब्जर्वर से रिकॉर्ड कर रहा था, तब जाके मैंने यहाँ पर ध्यान दिया कि जब मैं यहाँ पर लूट करने में बिजी था तब एसके सबीर भाई को किसी ने एलिमिनेट कर दिया था। एंड जब मैं यहाँ पर हिटलिस्ट मारने जा रहा था तो मैंने ऑब्जर्वर में जब मैं इस चीज को रिकॉर्ड कर रहा था तो मैंने यहाँ पर ध्यान दिया कि भाई फिर से किल आया, बट हमने इस चीज पे ध्यान क्यों नहीं दिया, मतलब कि हमें अंदाजा तक नहीं था कि भाई हमारी गेम के अंदर एसके सबीर भाई फिर से आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखो एसके सबीर भाई ने थॉमसन से एक और बंदे को किल किया, कि हमने हिटलिस्ट मारा हुआ था तो इसको फिनिश करने निकल पड़ते हैं हम। अब जिन बंदों को हमने हिटलिस्ट किया था वो बंदे यहाँ पर आर्सेनल चार्ज कर चुके थे एंड काफी गंदा डैमेज दे रहे थे। आप देख सकते हो कि मेरी पूरी वेस्ट ही तोड़ चुकी है एंड जस्ट HP 35 की बची हुई है। सुपर मेडी तो हमने मार लिया, बाकी मेरे पास स्कार लेवल 3 की है। बंदा वुकोंग बन के भाग रहा है, और फाइनली नॉक, फटाफट इसको क्लियर करते फिर से दन निकल जाएंगे। बाकी यहाँ से हम AWM के एमओ वगैरह उठा लेंगे, बाकी हमें यहाँ पर AWM भी चाहिए तो यहाँ पर वेस्ट वगैरह भी पड़ी है तो ये भी मिल चुकी है हमको। अब यहाँ पर से आर्सेनल लूट करने के बाद यहाँ पर मेरे को एक ड्रॉप दिखता है, जो कि मेरी किस्मत काफ़ी अच्छी थी तो यहाँ पर मेरे को AWM भी मिल जाती है, मतलब कि किस्मत हो तो मेरी जैसी, यहाँ पर मुझे बिना वेंडिंग के ही AWM मिल जाती है। बाकी मैंने यहाँ पर एमओ वगैरह ड्रॉप कर ली थी एंड सामने की साइड यहाँ पर फाइट चल रही थी। अब यहाँ पर तक हमको पता लगा कि यहीं पर जो स्क्वाड है वो एसके सबीर भाई की है एंड जैसे मैं यहाँ पर वुकोंग बन के निकल आता तो मेरे साथ में मेरा टीममेट भी था, आगे नीचे साइड भी काफी सारे बंदे लड़ रहे हैं एंड इतने में मेरे को सामने वाले टावर के यहाँ पर एक एनिमी स्पॉट होता है और यहाँ पर मेरा नेट इतना गंदा ग्लिच मार रहा था कि मैं देखो डैमेज कहाँ पर दे रहा हूँ एंड बंदा नॉक हो गया। एंड ये थे हमारे एसके सबीर भाई एंड इसका बाद में पता लगता जब यहाँ पर मैं फिनिश करता हूँ तो मैं देखता हूँ एकदम शॉक हो जाता हूँ, भाई मैंने एसके सबीर को एलिमिनेट कर दिया लिटरली एंड हमारे 4 किल निकल जाते। बट इसके बाद जो हुआ भाई वो तो पूछो ही मत, ना हमारी टीम बची ना उनकी टीम बची, कि यहाँ पर हमारी गेम के अंदर एक हैकर आ चुका था एंड यहाँ पर देखो मैं इसको बंदे को डैमेज देता हूँ एंड जैसे ही मैं इसके पास पहुँचता हूँ पता नहीं कहाँ से गाड़ी वालों की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाती है, यहाँ पर एक बंदा मेरे सामने आता है एंड मेरे हाथ पे AWM थी एंड जैसे ही मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ तो यहाँ पर एक बंदे को तो मैं वन टैप मार के खत्म कर देता हूँ, बट लिटरली मैं भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता हूँ। बट मेरे को यहाँ पर फाइनली फटाफट मेरे टीममेट रिवाइव कर देते हैं एंड यहाँ पर जैसे ही मैं नीचे उतरता हूँ तो मेरे सामने एक बंदा ओपन में फायर कर रहा था तो मैं थॉमसन से इसको इजीली हेड मार के खत्म कर देता हूँ एंड यहाँ पर वॉल पैक मार के इसको फटाफट पहले फिनिश करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर लूट भी चाहिए। अब इस बंदे को एलिमिनेट करते ही पीछे से एक बंदा मॉन्स्टर ट्रक लेके आता है, फिर मैं यहाँ से लूट करके फटाफट निकलने की ट्राई कर ही रहा था कि वो बंदा भाई यहाँ पर दो बंदे मॉन्स्टर से उतर जाते हैं, मैं यहाँ पर फाइट कर ही रहा था, इसको थोड़ा बहुत डैमेज देता ही कि ये दो बंदे साथ में मिलकर मेरे को यहाँ पर नॉक कर देते एंड देखते देखते हमारी टीम पूरी फिनिश हो ही चुकी थी एंड जस्ट लास्ट का ही हमारा टीममेट बचा हुआ था जो कि यहाँ पर रिवाइव कर रहा था कि यहाँ पर देखो भाई हैकर्स कैसे आते एंड देखते देखते हमारी पूरी स्क्वाड भी खत्म होती है। बट लिटरली इनकी स्क्वाड में एक हैकर नहीं था, पूरा वॉल पैक है एंड इनके चारों के चारों बंदे हैकर हैं, मतलब कि यहाँ पर देखो दूसरा बंदा भी वॉल के अंदर घुस चुका है एंड यहाँ पर से यही ऐसे करके बाहर निकल जाते हैं, मतलब कि वॉल ग्लिच हैकर थे ये। देखो यहाँ पर एक बंदा नहीं पूरी स्क्वाड थी इनकी, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना था, हमने इनको फटाफट रिपोर्ट करा क्योंकि रिपोर्ट करना जरूरी था एंड मैं गेम को बाद में ही रिकॉर्ड कर पाता जब ये चारों के चारों हैकर निकलते। खैर क्या ही कर सकते हैं, फिर बैक करा तो हमारा यहाँ पर 19 का माइनस हो जाता है। खैर अब बढ़ते गाइस अगले मैच की ओर, 6 किल निकाल चुके थे हम, मानना पड़ेगा। अब बात करें गाइस ये वाले मैच की, तो इस वाले मैच के अंदर एक खतरनाक सा क्लच निकला था जहाँ पर कि मैं अकेला बचा हुआ था एंड ब्लू जोन के अंदर थे एंड कालाहारी का मैच लगा हुआ था, बाकी मेरे पास M8 भी साथ में MP5 थी एंड यहाँ पर पूरी की पूरी स्क्वाड होती है एंड मैं अकेला होता हूँ, जो क्लच निकलता है उसके लिए तो एक लाइक बनता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास थोड़ी लैंडमाइन थी तो मैं यहाँ पर दो लैंडमाइन पहले लगा लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर बंदे पूरे मेरे चारों तरफ आ चुके। अब यहाँ पर मैंने लैंडमाइन तो लगा ली थी, बाकी सामने की साइड यहाँ पर एनिमी
एनिमी पूरी की पूरी स्क्वायर थी तो मैं यहाँ पर ज्यादा रश करना नहीं चाहता था एंड मेरे पास साइलेंसर की एबिलिटी भी नहीं थी तो मैं यहाँ पर वेट कर रहा था जैसे कोई बंदा हेड दिखाएगा तभी जाके उसको एलिमिनेट लूंगा। बाकी मेरे नीचे भी एक और बंदा है एंड ये बंदा मेरे पर रश कर सकता है तो इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। यार है शायद बस ये टावर पे ना चढ़े। ओके वो बंदा गाड़ी पकड़ लिया है वैसे कहीं उतर ना जाए कि वो शायद निकल चुका है। अब यहाँ पर फाइनली वेट करते करते एक बंदे का मुझे हेड दिखता है जिसको मैं नॉक ले लेता हूँ एंड अभी मेरे को इसको फिनिश करना था बट ये बंदा कवर पे चले जाता है एंड सामने यहाँ पर फाइट चल रही थी तो मैं यहाँ पर वेट कर रहा था जैसे इनका कोई बंदा बाहर की साइड रहेगा तो उसको मैं यहाँ पर नॉक लेने का ट्राई करूँगा। तो इतने में एक बंदा लूट कर रहा था जिसको मैं हेडशॉट मार के नॉक कर भी लेता हूँ। अब यहाँ पर पूरे चार बंदे थे इन्हीं की स्क्वाड के एंड ये बंदे जो गंदा रश मारते हैं आप लोग देखो। अब तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर लॉन्चर फेंकने के चक्कर में अपने दोनों लैंडमाइन को यहाँ पर फोड़ देता हूँ गलती से वो भी। अब यहाँ पर ना मेरे पास कवर के लिए लैंडमाइन है कि कोई रश करेगा तो मैं यहाँ पर थोड़ा एडवांटेज रहेगा बट वो भी नहीं बचे। अब यहाँ पर मैं कैसे क्लच निकलता है वो देखो। अब यहाँ पर तीन बंदे नॉक तो कर दिए थे एंड मेरे पास MP5 में एमओ भी नहीं बची थी। यहाँ पर मेरी एमओ भी खत्म हो जाती है एंड फिर मेरे को यहाँ पर MA2 भी सही मारना पड़ेगा इसको। अब इनका केवल एक आखिरी का बंदा बचा हुआ था जो कि इस वॉल के अंदर पैक था तो मैं यहाँ पर MA2B के शॉट्स कनेक्ट कर रहा था। एक यहाँ पर बंदा भाई रिवाइव होने के लिए जा रहा था एंड इससे फाइनली मेरे को यहाँ पर एमओ भी मिल जाती है तो अभी जस्ट इसको खत्म करना है। वो बंदा अंदर की साइड लेट चुका है और फाइनली खत्म। अब यहाँ पर मैंने इतना ओपी सा क्लच निकाला बट इसके बाद मैं जब रिवाइव करने जा रहा था तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस होकर एक और बंदा मेरे को दिखता है जिसको मैं फायर करने के लिए आता हूँ बट ये बंदा लिटरली मेरे को इजीली फिनिश कर देता है एंड हमारी स्क्वाड यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो फाइनली गाइस आज का एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड अगर आप लोग वीडियो पे अभी तक बने हुए हो तो आप लोग मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा वाला क्लच ज़्यादा बेटर लगा, लॉन्चर वाला लगा या लास्ट में स्नाइपर का लगा, ये जरूर से बताना। बाकी हाँ अब मैं ये बताता हूँ कि मैं यहाँ पर क्विट क्यों कर रहा हूँ। अब जैसा कि आपको पता है कि मेरी ID काफ़ी टाइम से ब्लैकलिस्ट पर पड़ी हुई है जिससे हम पुश तो कर रहे हैं बट उसमें कोई मज़ा नहीं आ रहा है एंड ऊपर से वेपन ग्लोरी का जो मैं टाइटल लेने की सोच रहा था उसके ऊपर आपको पता है कि सारे के सारे PC प्लेयर बैठे हुए हैं जो कि ग्लिच यूज करके यहाँ पर पॉइंट्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा जाने का तो कोई चांस बनता नहीं है इसी वजह से। बाकी आपको न्यू सीरीज के साथ हम जरूर से मिलेंगे। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना कि वन गन ग्रैंड मास्टर सीरीज फिर से कंटिन्यू करना कैसा रहेगा जिसके अंदर हम केवल AWM का यूज करके यहाँ पर ग्रैंड मास्टर अचीव करने का ट्राई करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आएगी तो गाइस लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।